दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जिसका कि करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं वो अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आईपीएल में बहुत सी चीजें गायब हो चुकी हैं जिसके कारण आईपीएल के बहुत से फैंस निराश भी हैं और उन सब में से फैंस की निराशा का सबसे बड़ा कारण है चीयरलीडर्स। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2023 सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में 31 मार्च से होगी। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में खेल के साथ ग्लैमर्स का भी तड़का लगता रहा है। चीयरलीडर्स ने सभी का ध्यान खींचा था जिसके कारण आईपीएल देखने आए फैंस की तादाद दोगुनी हो जाती थी। पहले जानी 2008 सीजन से ही आईपीएल मैच के दौरान चीयरलीडर्स का जलवा देखने को मिलता रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से चीयरलीडर्स आईपीएल में देखने को नहीं मिल रही हैं, इससे बहुत से फैंस निराश भी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल में कोरोना काल के बाद काफी सारी चीजें बदल गई हैं। इनमें से एक फैंस का दूर होना भी है। कोरोना से पहले आईपीएल 2019 सीजन हुआ था, तभी आखिरी बार चीयरलीडर्स देखने को मिली थी। दोस्तों कोरोना के बाद 2020 सीजन हो या फिर 2021-22 तीनों ही सीजन्स में चीयरलीडर्स की अनुपस्थिति रही है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या आईपीएल 2023 में मैदान पर चीयरलीडर्स दिखाई देंगी। तो आपको बता दें कि फैंस को इस बार भी निराशा ही मिलेगी। चीयरलीडर्स की एंट्री कब होगी इसके बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। दोस्तों आईपीएल 2023 में चीयरलीडर्स की एंट्री होनी चाहिए या नहीं इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी नई पुरानी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।